हेलो एवरीवन स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे सो so स्टूडेंट आज जो मैं इंग्लिश की वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेंगे एक जस्ट छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा पहले कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन आर ऑलरेडी आस्क्ड इन डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स वी विल कवर ऑल दैट क्वेश्चन इन दिस वीडियो सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू सो स्टार्ट फ्रॉम ऑफ स्पीच फर्स्ट वन इज द नाउन देखिए नाउन क्या है सभी को पता है हम पढ़ते हैं जो हिंदी में संज्ञा नाम कोई भी नेम कोई चीज़ है कोई थिंग है कोई प्लेस है आ, कोई आ, ये कह सकते पर्सन है मतलब किस कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है तो कुछ एग्जांपल है बॉय फ्रांस सिटी और हेयर अब सेकंड जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा प्रोनाउन प्रनाउन किसको रिप्लेस करता है प्रोनाउन ऑलवेज रिप्लेस द नाउन जैसे हम जब छोटे uh, थे हमने पढ़ा होगा राम मेरा अच्छा मित्र है राम की मम्मी ये है राम ये करता है तो हम उस राम की रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए वह लगाते थे तो वह मतलब हमने संख्या के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया था तो सेम इन इंग्लिश ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाउन वी यूज द प्रोनाउन तो रिप्लेस करता है प्रोनाउन किसको नाउन को ताकि जो रिपीटेशन हम बार बार कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नेम की हम उसको अवॉइड कर सकें तो अब इसकी एग्जाम्पल क्या है ही शी आई यू ठीक है नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा वो रहेगा हमारा वर्ब वर्ब होता है कोई भी एक्शन जो हम करते हैं और कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग जैसे वॉकिंग है रनिंग है स्पीकिंग है जितने भी कार्य हम करते हैं वो हमारे वर्ब को वर्ब में आते हैं क्रिया में आते हैं और एडवर्ब होता है वो जो इस क्रिया विशेषता को दर्शाए, तो जो आ, डिस्क्राइब करे किसी भी एक्शन को किसी एक्सप्रेशन को कि कोई भी काम हो रहा है तो वो क्विकली हो रहा है स्लोली हो रहा है लाउडली हो रहा है ऑलवेज हो रहा है मतलब इस तरीके से जो क्रिया को शो करे क्रिया की विशेषता को बताए ऐसे शब्द होते हैं हमारे एडवर्ब ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट होता है एडजेक्टिव एडजेक्टिव हमेशा ही किसको क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को ठीक है हमेशा जो एडजेक्टिव है जब भी आप क्वेश्चन में देखेंगे इसकी जो पोजीशन होगी हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले या बाद में होगी ठीक है और क्वालिटी ये किसकी बताएगा नाउन की और प्रोनाउन की तो ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव इसी तरह नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा वो है हमारा प्रपोजिशन प्रेपोजिशन लिंक करता है भाई नाउन को और प्रोनाउन को टू अनदर वर्ड मतलब आपके पास कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस में नाउन को प्रोनाउन को अगर आपको किसी दूसरे वर्ड के साथ लिंक करना है अटैच करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं नेक्स्ट रहेगा कंजक्शन कंजक्शन होता है कंजक्ट करना मीन्स जोड़ना तो जब हम दो वर्ड्स को दो सेंटेंसिस को दो फ्रेजेज को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो हम हमेशा ही बीच में किसका प्रयोग करते हैं इन बिटवीन वी ऑलवेज यूज द कंजक्शन कंजक्शन कौन कौन से होते भाई बिटवीन हो गया एंड हो गया ओल्डो uh, हो गया बट हो गया और हो गया देर आर सो मैनी कंजक्शन ठीक है आफ्टर दैट द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज आवर इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन होता है जब जब भी हम कोई स्ट्रोंग इमोशन या रिएक्शन को शो करते हैं ठीक है और वो उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं अपने स्ट्रोंग रिएक्शन uh, और इमोशन को शो करने के लिए डेट इज़ लाइक ओ वाह अलास इस तरीके से जो हम एक स्ट्रोंग इमोशन चाहे वो हैप्पीनेस का है चाहे वो सैडनेस का है जब हम अपना स्ट्रोंग इमोशंस शो करते हैं स्ट्रोंग रिएक्शन शो करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं अब हम पार्ट ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन हम करेंगे सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है इसलिए डायरेक्शन जरूर पढ़नी चाहिए अब ये जो डायरेक्शन है ये फर्स्ट फोर क्वेश्चन के लिए गिवन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आउट ऑफ द फोर गिवन ऑप्शन एज द गिवन पार्ट ऑफ स्वीच इन द देंटेंसेज ठीक है uh, जो गिवन पार्ट है सेंटेंस का वो गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें चार ऑप्शन में थे से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करना है सबसे पहले है अप एज वर्ड एडवर्ब अप को ना इन चार सेंटेंसेस में एज अ एडवर्ब यूज किया गया है तो कहाँ पे अच्छे से किया गया है वो हमने बताना है अप होता है किसी भी चीज में उछाल आ जाना ठीक है तो यहां पे देखिए प्राइसेस आर अप अस गो अप द हिल द नेक्स्ट अप ट्रेन विल लीव सुन वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एंड डाउन इन द लाइफ ठीक है तो यहां पे जो बेस्ट यूज हुआ है आपका सारे विकल्पों में से ऑप्शंस में से अगर हम फाइंड आउट करें तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा सेकेंड क्वेश्चन देखिए वेल का यूज कर, करना हमने भाई एज अ एडवर्ब ठीक है लेट वेल अलोन वेल बिगिन इज हाफ डन आई होप यू आर नाउ वेल वेल हु वुड हैव थोट एट तो अगर हम इनमें से बात करें तो जो वेल है उसका एडवर्ब के रूप में एडवर्ब मतलब देखिए एडवर्ब के रूप में पूछा एडवर्ब अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो क्रिया की विशेषता को बताए ठीक है जो एक्शन है हमारा अभी देखिए ऊपर जस्ट हमने पढ़ा था कि जस्ट वेट येरा डिस्क्राइब करें किसी एक्शन को या एक्सप्रेशन को वो किस तरीके से हुआ है तो इसको ही ध्यान में रखते हुए हमने ऑप्शन को फाइंड आउट करना है वेल एज एडवर्ब तो यहाँ से क्या होगा वेल बिगिन इज हाफ डन यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्या है वर्ब uh, है और ये वर्ब को अच्छे से डिस्क्राइब uh, कर रहा है यहाँ पे वेल well, तो वेल well क्या है हमारा एडवर्ब है स्टिल को एज अ स्टिल एज अ नाउन हमने देखना है तो स्टिल विद हिज़ नेम द मदर स्टिल देयर बेबीज स्टिल वॉटर्स रन डीप सिताज सोप कुड बी हर्ड इन द स्टिल ऑफ नाइट एंड ही इट्स स्टिल इन बिजनेस तो यहाँ पे स्टिल को एज अ नाउन देखें तो जो ऑप्शन हमारा थर्ड है स्टिल ऑफ नाइट यहाँ पे एज अ नाउन इसका यूज हुआ है और न, कहीं पे नहीं हुआ है किसी भी ऑप्शन में नेक्स्ट को देखना है ऑल एज नाउन तो ऑल को अब एज नाउन हमने देखना है एज अ नाउन देखना है मतलब संख्या के रूप में ऑल का प्रयोग कहाँ पे हुआ है ही लोस्ट हिज ऑल इन स्पेक्यूलेशन फर्स्ट ऑप्शन ये है सेकेंड कहता है ऑल मैन आर मोर्टल थर्ड है ही वॉज ऑल अलोन वेन आई सो हिम नेक्स्ट है ओल स्पोक इन हर फेवर तो अगर हम बात करें सारे ऑप्शन में तो एज अ नाउन के रूप में जो ऑल का प्रयोग है वो हमारा ऑप्शन डी है कि ऑल स्पोक जितने भी पर्सन थे वो उसके फेवर में बोले ऑल स्पोक इन हर फेवर तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा अब हमें डायरेक्शन गिवन है फाइव टू एथ क्वेश्चन की चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एज द गिवन पार्ट ऑफ द स्पीच आउट ऑफ द फोर ऑप्शन साथ में बता रखा है कि किस फॉर्म में हमें उसे फाइंड आउट करना है तो नेक्स्ट देखिए अबउ एज नाउन अबो एज नाउन के रूप में हमने देखना है तो आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबउ Second head the heaven are above थर्ड है द मोरल लॉ इज अबव द सिविल और लास्ट है एनालाइज द अबव सेंटेंसेज तो एज अ नाउन जो अबो का प्रयोग यहाँ पे हुआ है वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए आवर ब्लैसिंग कम फ्रॉम अबव अबव एज अ नाउन अबो कहाँ से आया मतलब गोड की तरफ से ठीक है तो यहाँ पे जो गोड है वो एज अ नाउन यूज हो गया तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट हमने बताना है सेम डाउन को एज अ नाउन हमने फाइंड आउट करना है डाउन वेंट द टाइटेनिक शिवम हैज़ सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ द पोर्टल वॉज किल्ड बाई द डाउन ट्रेन द इंजन केम रशिंग डाउन द हिल ठीक है तो यहाँ पे भी डाउन को हमने एज अ नाउन देखना है तो यहाँ पे भी जो आ, नाउन का डाउन का प्रयोग एज ए नाउन हुआ है वो हमारे ऑप्शन बी में हुआ है कि शाम हैज़ सीन द दा अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ ठीक है तो ये बिल्कुल ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे सही रहेगा नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है बट को हमने एज अ एडवर्ब देखना है एज अ एडवर्ब फर्स्ट ऑप्शन क्या है नन बट द ब्रेव डिजर्व द ओनर ठीक है सेकंड है वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड थर्ड है इट इज बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट लास्ट है देर इज नो वन बट लाइक्स हिम एज अ एडवर्ब अगर हम इसकी बात करें तो हमने भाई बट को एज अ एडवर्ब यहाँ पे देखना है तो अगर हम सारे ऑप्शन में बात करें तो जो ऑप्शन सी है इट इज बट राइट टू एडमिट आवर फोल्ड तो यहाँ पे जो बट है ये एज अ एडवर्ब यहाँ पे प्रयोग हुआ है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा नेक्स्ट है question number eight, after. और after को हमने कैसे देखना है एज अ एडजेक्टिव तो फोर ऑप्शन हमारे आगे हैं हिज ग्लोरी तो यहाँ पे uh, uh, यहाँ पे अगर हम आफ्टर एज एडजेक्टिव देखें तो ये गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे जो आफ्टर है वो एज ए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है और जो अन्य ऑप्शन है उनका प्रयोग अदर पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में हुआ मतलब करेक्ट ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज बिन करेक्टली मैच्ड विद इट रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच उसको हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए भाई इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जो फोमी है फो इन सारों को बताना है कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से मैच करते हैं फोमिना एक एडजेक्टिव है यहाँ पे कैसे जैसे अब हम इसको सेंटेंस में प्रयोग करते हैं ही टूके फोमी बात यस्टरडे तो यहाँ पे फोमी क्या है एक एडजेक्टिव है सेकेंड बात करते हैं फ्लक्स की फ्लक्स यहाँ पे नाउन है जैसे बात करें हम फ्लक्स इज ए केमिकल प्यूरिफाइंग एजेंट तो हमने जो फ्लक्स की बात की ना तो वो एक प्रॉपर नाउन की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है नेक्स्ट बात करते हैं बट की बट एक कंजक्शन है जैसे हम बात करें ही इज पुअर बट ऑनेस्ट पर्सन तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस थे पुअर और ओनेस्ट पर्सन और उसको जोड़ा किसने बट ने जो कि एक कंजक्शन है हमने ऊपर पढ़ा था बात करते हैं कैन की तो कैन देखिए वैसे तो एक मोडाल है लेकिन अगर हम बात करें सेंटेंसेस में तो ये एक वर्ब भी है जैसे ही कैन सिंग एंड डांस यहाँ पे कैन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है मेन वर्ब तो सिंग है यहाँ पे लेकिन कैन यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो कैन यहाँ पे एक वर्ब है तो ये हमने बात किया एडजेक्टिव फ्लक्स हुआ नाउन बट हुआ कंजक्शन और कैन हुआ वर्ब तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा बी यहाँ पे सही ऑप्शन है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टेन कहता है आई वॉज नॉट ए मिसचीवियस और ट्रिबल सम चाइल्ड ठीक है हमने बताना क्या है भाई कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस और क्या है यहाँ पे ये बताना है तो देखिए अभी देखिए ये इसको जोड़ रहा है ना आई वॉज नॉट ए मिसचिवियस और एक है ट्रबल चाइल्ड दोनों को जोड़ा किसने और ने तो और यहाँ पे क्या हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ठीक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है ये वो वर्ड होता है जो कनेक्ट करेगा वर्ड्स को जो कनेक्ट करेगा फ्रेजेस को दो सेंटेंसेस को ठीक है एंड वेन ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस टूगेदर टू सेंटेंसेज जो सेंटेंस मिलके आएगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंसेज तो ये हमारे सेंटेंसेज के टाइप है जो अभी हम यहाँ डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हम जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे वी ऑल स्लैप्ड अपस्टेयर अब यहाँ पे अपस्टेयर को अंडरलाइन किया गया है तो हमसे पूछा है अपस्टेयर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो देखिए अपस्टेयर स्लैप स्लैप्ट की अगर हम बात करें तो वो एक वर्ब है क्रिया है हमारा जब हम सोते हैं तो हम क्रिया कर रहे हैं ना लेकिन उस क्रिया को जो डिफाइन करे उस क्रिया के एक्शन को जो आ, उसकी क्वालिटी को बताए क्रिया की विशेषता को बताए वो हमारी होती है एडवर्ब तो कहाँ सो रहे हैं अब स्टेयर सो रहे हैं तो यहाँ पे अब स्टेयर को आप जो यूज है वो एज अ एडवर्ब की तरह हुआ है ठीक है क्योंकि ये अपस्टेयर स्लैप्ट को क्वालिफाई कर रहा है सामान्यतः हमने अभी तक यही पढ़ा है कि अगर वर्ब की विशेषता कोई बताता है तो वो एडवर्ब ही कहलाता है ठीक है नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कहता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द बिलो द डिग्री ऑफ कंपेरिजन फ्रॉम सुपरलेटिव टू कम्पेरेटिव ठीक है ट्रांसफॉर्म करना है डिग्री ऑफ कंपेरिजन को सुपरलेटिव दे रखी है उसको कंपेरेटिव में बदलना है ठीक है तो सुपरलेटिव दे रखी है भाई और कंपेरेटिव में बदलना है तो कौन से में बदल रखा है चार ऑप्शन में से अगर हम बात करें इसमें नहीं है सी में भी नहीं है डी में भी नहीं है बी ऑप्शन पे आइए में जो सेंटेंसेस दिया है इस क्वेश्चन में वो बी जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री में है और जब हम आ, नहीं ऊपर है सुपरलेटिव डिग्री में और कंपेरेटिव में कहाँ बदल रखा है बी ऑप्शन में ठीक है तो वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट आ, ब्रेवेस्ट ऑफ़ वैरियर ये सुपरलेटिव है ऊपर अगर इसका कंपेरेटिव हम बदले तो ये आ जाएगा भाई अभिमन्यु वॉज ब्रेवर देन मोस्ट ऑफ द अदर वॉरियर्स ठीक है आ, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है फिर वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री है फिर से सब्जेक्ट है फिर से वर्ब है फिर कंपेरेटिव डिग्री दे रखी है भाई और फिर मोस्ट ऑफ अदर जो आगे दे रखा है तो ये स्ट्रक्चर uh, यहाँ पे प्रयोग किया गया है नेक्स्ट पे आते हैं नो सुनर डिड द पुलिस अराइव देन रोबर्स मेड गुड देयर एस्केप तो यहाँ पे क्या करना है इसको पूरे को अंडरलाइन कर दिया हमें बताना है आ, नो सुनर डिड द पुलिस देन रोबर्स मेड गुड देयर एस्केप यहाँ पे नो सुनर और देन के साथ वाक्य के पहले भाग में किसका प्रयोग हुआ है डिड के साथ अगर हम बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है ठीक है तो जो सही वाक्य होगा ना मतलब इसमें तो देखिए अराइव दे रखी है सेकंड लगाइए थर्ड लगाइए लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे रूल की बात करें तो नो सुनर के साथ अगर डिड है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे दे रखी है भाई बी ऑप्शन में दे रखी है तो ये बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और सही ऑप्शन क्या रहेगा नो सुनर डिड द पुलिस अराइव ठीक है नेक्स्ट पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डायरेक्शन uh, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड फिफ्टीन विच पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड ठीक है वही बताना है दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स यहाँ पे वाइल का प्रयोग बताना है कि कैसे हुआ है क्योंकि वाइल अंडरलाइन है तो यहाँ पे जो वाइल का प्रयोग हुआ है ना वो एज अ वर्ब की तरह हुआ है वाइल अवे मतलब क्या मतलब हुआ टू स्पेंड टाइम इन ए प्लीजेंट और लेजी वे ठीक है तो वाइल यहाँ पे एज ए वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे ही लेफ्ट हिज ब्रदर बिहाइंड एंड केम बैक अलोन किस में बताना है जो यहाँ पे बिहाइंड है एक्ट कर रहा है बिहाइंड एज एन एडवर्ब इसको ही बताना है भाई अंडरलाइन शो नहीं कर रखा है यहाँ पे तो यहाँ पे जो बिहाइंड है वो एक्ट करता है एज एन एडवर्ब क्योंकि ये किसको को क्वालिफाई कर रहा है जो लेफ्ट वर्ब है ना उसको क्वालिफाई करता है और जब कोई वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो क्या होता है एडवर्ब होता है तो बी ऑप्शन सही रहेगा डिफाइन कैसे करेंगे एडवर्ब को एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मोडिफाई ए वर्ब एडवर्ब वो होता है वो शब्द होता है जो मोडिफाई कर दे वर्ब को और एडजेक्टिव डेटरमाइंस को क्लोज को प्रेपोजिशन और सेंटेंसेस ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ ग्लोरी इज ग्लोरी का एडजेक्टिव बताना है मतलब इसका विशेषण क्या बनेगा तो ग्लोरी का बनेगा भाई ग्लोरी एक नाउन है और अगर हम ग्लोरीफाई लिख दें तो ये तो एक वर्ब हो जाएगा खाली ग्लोरी एक नाउन है ग्लोरीफिकेशन गलत है तो एडजेक्टिव uh, बनेगा इसका ग्लोरियस डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा नेक्स्ट देखते हैं वेरी फॉर्म ऑफ सिंपल इज तो सिंपल यहाँ पे एडजेक्टिव है किसी की क्वालिटी को बता रहा है एंड इट्स वर्ब कौन सी हुई इसकी वर्ब फॉर्म हुई तो इसको हम क्या करेंगे सिम्पलीफाई सी ऑप्शन ठीक सरली अर्थ यही करेगा नेक्स्ट देखिए पास्ट पार्टिसिपल बताना है स्टील का स्टील का क्या होगा भाई पास्ट पार्टिसिपल सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पे uh, स्टील की सेकंड फॉर्म तो होती है पास्ट पार्टिसिपल पूछा है तो सिंपल पास्ट की बात करें तो स्टोल और देन आ जाएगा स्टोलन ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा प्रेजेंट फॉर्म होती है अब देखो प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो वो तो स्टील होगी चुराना पास्ट फॉर्म की बात करें तो वो स्टोल होगी भाई और अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल वो होगी स्टोलन जैसे मैं बात करूँ इसमें कोई भी ले लीजिए आप एक सेंटेंस पर डायरेक्ट हमने यहाँ पास्ट पार्टिसिपल ही बताना है तो आप इतना ही याद रखिए स्टील स्टोल स्टोलन नेक्स्ट पे आते हैं ही इज माई फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज माई फ्रेंड तो तो यहाँ पे क्या बताना है भाई अबाउ सेंटेंस ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच ही बताना है ही क्या है तो ही क्या है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है सभी ने पढ़ा हुआ है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोनाउन नेक्स्ट देखिए द प्लेडर प्लेडर आर्ग्यूड इंटेलिजेंटली यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट को बताना है कि इंटेलिजेंटली क्या है तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे रहेगा इंटेलिजेंटली वैसे तो देखिए मोस्टली जिनमें एल वाई पीछे आता है ना वो एडवर्ब होते हैं लेकिन कई बार ना भी हो आपने समझ के चलना है यहाँ पे जो इंटेलिजेंटली है ना वो एक्ट कर रहा है एडवर्ब क्यों कर रहा है क्योंकि ये यह यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है आर्ग्यू को और आर्ग्यू जो हम करते हैं ना आर्ग्यूमेंट वो हमारी वर्ब है क्रिया है ठीक है इसीलिए नेक्स्ट पे आते हैं जस्ट वेट वट काइंडफ नाउन इज फैमिली फैमिली किस तरीके का नाउन है भाई ये हमने बताना है अब देखिए फैमिली एक परसन से तो नहीं बनती लोगों के कलेक्शन से बनती है और जब कलेक्शन में कोई चीज़ आती है तो वहाँ पर जो नाउन रहेगा वो रहेगा हमारा कलेक्टिव नाउन क्योंकि फैमिली रेफर करती है थिंग्स को ठीक है पीपल को एज अ यूनिट ठीक है इसके अलावा और भी कलेक्टिव नाउन के काफ़ी एग्जाम्पल हैं लाइक बंच है ऑडियंस like है फ्लॉक है, flock है टीम है ग्रुप है ठीक है तो यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन रहेगा नेक्स्ट पे आते हैं द चाइल्ड whom यू वर टॉकिंग टू इज माई नेफ्यू ये कह रहे हैं कि अंडरलाइन वर्ड हुम को बताना है तो हुम ना यहाँ पे एक तो रिलेटिव प्रोनाउन है ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं भाई ये वे प्रोनाउन होते हैं जो जोड़ने का कार्य करते हैं जोड़ने का कार्य करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है जैसे हु हो गया विच हो गया हुम हो गया डेट हो गया ठीक है हाँ तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है चाइल्ड को उसके आ, बता रहा है कि उसका रिलेशन कि वो उसका क्या है नेफ्यू है तो ए ऑप्शन हमारा सही है नेक्स्ट देखते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देर इज अ ब्रिक वॉल सराउंडिंग द हाउस तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड ब्रीक है ये है भाई यहाँ पे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है कौन से वर्ड को वॉल को डेट इज अउन ठीक है नाउन से पहले आएगा तो वो नाउन की विशेषता को बता रहा है एडजेक्टिव है नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन क्या है द बोस वॉज वेरी एंग्री विद अशोक विद अशोक फॉर नॉट मीटिंग द डेड लाइन तो विद बताना है विद में क्या है ऑप्शन है ये इसमें कोई इम्प्रोवमेंट की जरूरत नहीं है इम्प्रूवमेंट बतानी थी नीड है या नहीं तो तो यहाँ पे किसी भी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है आई डिफर बाय यू इन दिस मैटर तो यहाँ पे जो डिफर बाई यू है डिफर फ्रॉम यू आएगा डिफर विद यू डिफर ओवर यू और नो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे आएगा आई डिफर बाई यू के स्थान पे आएगा विद यू जिसका अर्थ होता है मतलब असहमत होना ठीक है जैसे डिफर विद समन हम बोलते हैं इसका मतलब है डिसएग्री विद सम वन मतलब किसी से हम असहमत हैं तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी नेक्स्ट है स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है सेंटेंस के अंदर वो क्या है स्मोकिंग यहाँ पे जीरंड है जिरंड क्या है क्योंकि यहाँ पे जो स्मोकिंग है ना ये नाउन की तरह कार्य करता है और जब भी कोई ऐसी चीज जो नाउन की तरह कार्य करती है वो जिरंड होती है जिरंड इज़ अ वर्बल नाउन ठीक है और ये मेन uh, वर्म में आई एन जी इसमें लगा होता है ये भी इसकी एक पहचान होती है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन फ्रीडम इज़ ए वंडरफुल फीलिंग फॉर राम वॉज ईगर टू एक्सपीरियंस इट तो यहाँ फोर के स्थान पर हम जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो एंड रहेगा एंड कंजक्शन का प्रयोग होगा क्योंकि जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो वहाँ पे प्रेपोजिशन की नहीं बल्कि कंजक्शन की नीड होती है तो एंड हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई विक्ट्री इन डिबेट कॉम्पिटिशन तो यहाँ भी फोर के स्थान पर हम ओन प्रपोजिशन लगाएंगे फोर यहाँ पे गलत रहेगी तो ओन सी ऑप्शन सही है क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ओन प्रेपोजिशन आती है तो हम क्या बोलेंगे द कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ओन माय विक्ट्री इन द डिबेट कंपटीशन नेक्स्ट आइए व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज विमला विमला सभी को पता है प्रॉपर है भाई नाम बिल्कुल मेंशन किया है तो प्रॉपर नाउन क्या होता है किसी ने पर्टिकुलर पर्सन का प्लेस का ऑर्गेनाइजेशन का किसी थिंग का नेम तो यहाँ पे विमला क्या है और एक ना प्रॉपर नाउन हमेशा ही जो स्टार्ट होगा ना वो कैपिटल लेटर से होता है ये ध्यान रखना ये भी इसकी एक पहचान है तो ये प्रॉपर नाउन है नेक्स्ट पे आइए दे हैव इन्वाइटेड आई एंड माई फ्रेंड टू पिकनिक पार्टी तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें आई और माई फ्रेंड के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस रहेगा ऑब्जेक्टिव केस क्या माई फ्रेंड एंड मी यहाँ पे आएगा रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें रूल के हिसाब से थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा पहले हम दूसरे को प्रेफरेंस देंगे फिर खुद को देंगे तो सही ऑप्शन बी रहेगा दे हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड मी टू पिकनिक पार्टी नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ इल ऑफ मलेरिया तो अगर हम इसमें बात करें इन आती है ऑफ नहीं आती मलेरिया ठीक, ठीक है नेक्स्ट पे देखते हैं नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस क्वेश्चन क्या है भाई सो इट हैपन तो यहाँ पे इट uh, क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है जिसको यूज़ किया गया है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा प्रोनाउन रहेगा ये प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का थर्ड uh, पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है ये नेक्स्ट देखते हैं द रिवर गंगा इज हेल्ड टू बी द मोस्ट स्केयर्ड ऑफ ऑल द रिवर गिव द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द अबो पॉजिटिव डिग्री हमने यहाँ पे बतानी है तो जो ये सेंटेंस है इस वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है जो हमने अभी पढ़ा है और इसे पॉजिटिव फॉर्म में जब हम बदलेंगे तो क्या लगाएंगे पॉजिटिव uh, फॉर्म में नो अदर रिवर इज हेल्ड टू बी एज मच स्केयर्ड एज द रिवर गंगा तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा सी पास्ट पार्टिसिपल बताना है सो का ये सब ने पढ़ के जाने हैं भाई बहुत ईजी क्वेश्चन कई बार छूट जाते हैं और इसका पास पार्टिसिपल रहेगा सो का सोन एस ओ डब्ल्यू एन तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है सुपरलेटिव डिग्री फिर से हमें पूछी है फार की फार का मतलब होता है दूर तो सुपरलेटिव फॉर्म होती है फार की फार तो ई एस टी लग जाता है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है नेक्स्ट देखते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस ट्रांसफॉर्म द डिग्री ऑफ कंपेरिजन फ्रॉम कम्पेरेटिव टू पॉजिटिव कंपेरेटिव फॉर्म में तो हमें दे रखी है और इसको पॉजिटिव फॉर्म में बदलना है कंपेरेटिव फॉर्म में क्या दी है लॉजिक इज मोर यूजफुल देन लव अब इसको पॉजिटिव फॉर्म में बदलना है और पॉजिटिव फॉर्म में कहाँ बदला गया है पॉजिटिव फॉर्म क्या होगी लव इज नॉट एज यूजफुल एज लॉजिक ठीक है तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है ही इज अ boy। इन द अबो सेंटेंस नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इज तो इन सेंटेंस इज 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 जो है ना इज इज वो एक वर्ब है ठीक है इज में ही बताना हमने इज का ही पूछा ना तो वर्ब है तो ए ऑप्शन सही है नाउन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव शार्प एडजेक्टिव हमें गिवन है शार्प और इसके नाउन फॉर्म बतानी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये बन जाएगा तो क्या आएगा शार्पनेस ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन शी प्रेफर्स टी देन कॉफ़ी यहाँ टी के स्थान पर टी टू का प्रयोग उपयुक्त होगा टी देन लिखा है ना टी देन की जगह क्या आ जाएगा भाई शी प्रेफर टी टू कॉफी देन कॉफी नहीं होता टू कॉफी होता है क्योंकि प्रेफर के साथ हमेशा हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं कौन सी प्रेपोजिशन का टू प्रेपोजिशन का तो बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट देखिए पास्ट पार्टिसिपल बताना है सिंह का 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 होता है सेंग एक आ, सिंग का पास्ट पार्टिसिपल रहेगा वही संग ड्राइवर ड्राइवर क्या है किसी का नाम मेंशन नहीं है तो ये कॉमन नाउन है जो भी नाउन किसी वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसको कॉमन नाउन कहते हैं तो सी ऑप्शन सही है दिस इज़ अ बिग प्रोजेक्ट इन द अब सेंटेंसेज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ बिग इज बिग क्या है यहाँ पे बिग एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ड uh, किसको नाउन को देखिए प्रोजेक्ट नाउन है और नाउन से पहले जब भी आता है ना वो एडजेक्टिव हो जाता है तो ये एडजेक्टिव है दिस न्यूज इज़ टू गुड सो बी ट्रू तो यहाँ पे हमने टू गुड सो के स्थान पर टू गुड टू का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंस की आवश्यकता है तो टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू ये एक सही स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का तो टू गुड टू बी ट्रू सुपरलेटिव फॉर्म बतानी है भाई लिटर की लिटल की सॉरी लिटल uh, की बतानी है तो लिटल की सुपरलेटिव फॉर्म होती है लिस्ट ये आपको ध्यान रखना है फिर है भाई पास्ट पार्टिसिपल वर्ब स्ले का स्ले का क्या बनेगा स्लेन एक बार लिख देती हूँ मैं तीनों स्ले का सेकंड तो होता है स्ल्यू और थर्ड होता है स्लेन ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई आज की वीडियो के आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू एवरीवन